हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनल बहुत समय बाद अपने पति नितिन के साथ मायके आती है, तो अपने दामाद की खातेदारी में मीनल की माँ केतकी बढ़िया पकवान बनाकर दोनों को खाने के लिए परोसती है। सासू माँ, खाना तो लाजवाब बनाया है आपने, सच में बहुत स्वाद है आपके हाथों में। होगा ही, मेरे मायके सा स्वादिष्ट खाना तो तुम्हें और कहीं मिलेगा ही नहीं। माँ जी की तरह मेरे मायके में जल्दी जल्दी खाना बनाकर नहीं रख देते। हमारे घर में भी ठीक ही खाना बनता है। वही तो, ठीक ठाक बनता है, स्वादिष्ट नहीं मेरे मायके जैसा। अरे बेटी, क्या बातें लेकर बैठ गई तू? खाने के समय पर खाने पर ध्यान लगाओ, बातों में नहीं। दामाद जी, ये हलवा लीजिए ना। नहीं नहीं सासू माँ, पेट भर गया है, बस चखने भर के लिए देना। अरे खा लो, अच्छे से खाना, ना जाने फिर कब ऐसा स्वादिष्ट खाना नसीब हो तुम्हें। मम्मी जरा भर कर डालो, ये तो ऐसे ही शर्माते रहेंगे। इस तरह मीनल जब भी अपनी मायके आती तो वहाँ के स्वादिष्ट खाने की भर भर कर तारीफ करती। इसे सुन सुन कर नितिन के कान पक गए थे, लेकिन अब भला बीवी से कौन पंगा ले। एक रोज मीनल की सास साधना पालक छाट रही होती है, तो उन पालकों को देखकर मीनल का मुंह बन जाता है। माँ जी, ये कैसी सड़ी गली पालक उठाकर ले आई हो आप? तभी कहूँ कि खाने में स्वाद क्यों नहीं आता। क्या बोल रही है बहू? अरे मैं थोड़ी गले सड़े पालक की सब्जी बनाने वाली हूँ, इसमें से मैं अच्छी अच्छी पत्तियाँ छाट रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है माँ जी, अरे ताजी चीजों का स्वाद अलग ही होता है। आप बताओ, इन खराब पालकों को मैं बनाऊं कैसे? एक काम करो, आप रहने दो, मैं मार्केट से पालक लेकर आती हूँ और आज अपने मायके जैसा पालक बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है फिजूल का खर्चा करने की। अरे जब सामान है तो दूसरा क्यों लेकर आना, तू जाकर अपना काम कर। सही में माँ जी, आपको भी ना बस खाने से मतलब है और काम खत्म करना होता है। मैं तो ये पालक नहीं खाने वाली, इससे अच्छा तो मैं मेरे मायके में बनने वाली खिचड़ी खा लूं। जब देखो अपने मायके के गुणगान ही गाती रहती है, जिसे रोज ही इसके मायके में छप्पन भोग परोसा जाता है। इस तरह मीनल खाना बनाते हुए अक्सर अपनी सास को टोका करती, लेकिन सास बहू की कहां सुनने वाली थी, वो अपनी ही तरह से काम किया करती। एक रोज संडे के दिन नितिन तैयार होकर काम के लिए निकल रहा होता है, तो साधना उसे टोकती है। अरे तू संडे के दिन कहां मजदूरी करने जा रहा है? माँ, आज बॉस ने कोई जरूरी मीटिंग रखी है और इसकी जगह अगले वीक में ऑफ लेने को कहा है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। ये ऑफिस वालों का तो अलग ही मामला है। अरे तो खाली पेट ही चला जाएगा क्या? रुक, चाय पी कर जा। बहू, अरे ओ बहू। गुड मॉर्निंग माँ जी। ठीक है ठीक है, पहले जाओ और फटाफट कड़क चाय बना ला, नितिन को ऑफिस के लिए देर हो रही है। संडे को क्यों? क्यों, बिना राम कहानी सुनाए चाय नहीं बनाएगी क्या तू? रहने दे, मैं ही फटाफट बना लेती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं जाती हूँ ना और एकदम मस्त कड़क चाय बनाऊंगी अपनी मायके जैसी। हाँ लेकिन थोड़ा जल्दी, मुझे निकलना है थोड़ी देर में। मीनल रसोई में जाती है और चाय बनाने के लिए बर्तन चढ़ाती है। 15 मिनट बीत जाते हैं लेकिन चाय नहीं आती, तो साधना रसोई में जाती है। बहू, एक इंसान के लिए चाय बना रही है या बारात के लिए? कितना समय लगा रही है? माँ जी, चाय को ढंग से उबालूंगी नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? बस एक उबाल और आ जाए तो कप में डालकर ले आऊंगी। देखना, ये चाय पीकर उनकी वाह वाह नहीं निकली तो कहना। माँ जी, ये कहाँ गए? निकल गया वो ऑफिस, अभी अपने मायके की स्वादिष्ट चाय तो खुद ही पी ले, जरा सी भी अक्ल नहीं है। यहाँ उसे देर हो रही थी और ये महारानी है कि चाय को उबालने में लग गया ताकि स्वाद आए। अब वो तो चला गया बहू, ला मैं ही पी कर देखूं तेरे मायके वाली चाय। हाँ हाँ आंटी, पीजिए ना, स्वाद आ जाएगा आपको। पड़ोसन मीनल के हाथ की बनी चाय पीती है और नाक सिकोड़ कर कहती है, अरे ये चाय है या काढ़ा, कितनी कड़वी हो गई है। अब 5-5 बार उबालेगी तो यही होगा। उसे कड़वी नहीं आंटी, कड़क कहते हैं। अब यहाँ किसी को अच्छी चाय पीने की आदत ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। समय बीतता है और मीनल के ससुर सुरेश का जन्मदिन आता है, जिसके लिए साधना सभी अड़ोसी पड़ोसियों को दावत पर बुलाती है। देख बहू, तेरे ससुर जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने आज सभी को दावत पर बुलाया है।
इसलिए बाहर का खाना भी ऑर्डर किया है। तू ऊपर से कांच के बर्तन निकाल ले। क्या माँ जी, बाहर से खाना क्यों मंगवाया? इससे अच्छा तो आप मेरे मायके से मंगवा लेती। अरे भाग्यवान, जरा मेरे कपड़े तो निकाल दो, सोच रहा हूँ थोड़ा दोस्तों से मिलाऊं। अरे अपने जन्मदिन के दिन आप बाहर क्यों जा रहे हो, घर पर ही रहिए। वैसे भी शाम को मेहमान आने वाले हैं। पापा जी, आप कहें तो शाम का खाना आज मैं बनाऊं? अरे नहीं बहू, रोज तो घर का खाना बनता है, आज खास मौका है तो बाहर का खाना ही ठीक है, इससे तुम सास बहू को भी आराम मिलेगा। सुरेश के मना करने पर मीनल का मुंह बन जाता है। शाम को सभी लोग बैठकर दावत खा रहे होते हैं। ये दाल मखनी तो बहुत ही बढ़िया है माँ, जरा एक कटोरी और देना। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, क्या दावत रखी है आपने, इतना लजीज खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ लजीज तो है, पर वो बात नहीं इस खाने में जो मेरे मायके के बने स्वादिष्ट खाने में होती है। अरे उसकी तो खुशबू से ही इंसान की भूख जाग उठती है। बस कर बहू, आज भी अपने मायके की गुणगान गा रही है। मायके का खाना इतना ही स्वादिष्ट लगता है तो जाकर वही खाना पीना कर लिया करना। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो भाग्यवान, शांत हो जाओ। हाँ माँ शांत हो जाओ, और मीनल की तो आदत है आप जानती हो। अरे तो आदत सुधारे ना, हर जगह के खाने में अलग तरीके का मसाला, अलग तरीके का स्वाद होता है, ये बात इसके दिमाग में क्यों नहीं जाती है। हाँ बहू तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है, एक ही बात बार बार बोलने से क्या सुकून मिल जाता है तुझे। हाँ हाँ, मेरी मायके की तारीफ तो किसी से सही ही नहीं जाती। आप लोग खाइए ये खाना, मुझे नहीं खाना और ना ही किसी से बात करनी है। मीनल गुस्सा होकर बिना खाए ही चली जाती है। ये बात साधना को बहुत बुरी लगती है। अगले कुछ दिनों भी मीनल मुंह फुलाकर बैठी रहती है तो सास परेशान होकर उसकी माँ को घर बुलाती है। ये खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये लोग फिर से तो कोई दावत नहीं दे रहे। समधन जी खाइए ना। माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे तो कहाँ थी, देख मैं तेरे लिए आज खाना बना कर लाई हूँ, आजा बैठ जा खाने के लिए। मीनल अब तो खाना खा लो, ये हमने नहीं बनाया बल्कि तुम्हारे मायके का स्वादिष्ट खाना है ये। तुझे मेरे हाथ की खाने की इतनी याद आती है तो घर आ जाया कर, ऐसे अपने मायके के खाने का उदाहरण देकर दूसरों की मेहनत से बनाए खाने को बुरा क्यों कहती है? हाँ ऊपर से मुंह भी फुला लेती है। मानती हूँ माँ जी कि मैं कुछ ज्यादा बोल गई, माफ करना, अब से मैं कभी आपके बनाए हुए खाने की बुराई नहीं करूँगी। लेकिन आज ये खाना खाकर आप भी मानते हैं ना कि मेरे मायके का खाना स्वादिष्ट तो है। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मीनल का गुस्सा भी छूमंतर हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।